नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की कथा का अंतिम अध्याय 35वां अध्याय कथा सुनेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस चैनल पे हर तीज त्यौहार की वीडियो, पूजा पाठ, धर्मशास्त्र, सभी चीज़ की बातें बताई जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की वीडियो आप देख पाएंगे। चलिए आज हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं, 35वां अध्याय कथा। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी की विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके आप वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तर नारायण रवि को गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना वो भिन्सम पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ रीतिवज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे और गृह यज्ञ प्रारंभ करे और मृतकों की पूजा करे। हे मुनीश्वर, रीतिवजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें, मंगल की गान करें, बांदे की तुलसी उनको समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सप्तिकिन यजमान भाई बंधु और उनके सेवकों के साथ चारों रीति वजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वर, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शयादान करना चाहिए। रीति वजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा और युक्त होकर सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, समी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। आज हमारी कार्तिक मास की कथा का 35वां अध्याय यानी कार्तिक मास का कथा समाप्त होता है। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। कथा को सुनने के बाद कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिख दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आगे की पूजा पाठ, तीज त्यौहार, शास्त्र पुराण की बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे। जय माता दी, जय विष्णु भगवान।